प्रेजेंटेड बाय टाटा टी अग्नि। टाटा टी अग्नि, जोश जगाए हर रोज। तो लगभग कितना स्टाफ आपका एम्प्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर आता है। हमें अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंची है और इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। एटीएस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के कमांडो की तैनाती अयोध्या में बढ़ाई जा रही है। आज वैसी सर, राम जन्मभूमि में इतनी लंबी लंबी लाइन है, कल बहुत भीड़ थी, क्या अरेंजमेंट किए गए आरएएफ की तरफ से? नहीं, आरएएफ की तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका एम्प्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर आता है। तो सुरक्षा के इंतजामों पर आरएएफ डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया ये आपने सुना। उन्होंने कहा कि कल लोगों को जो परेशानी हुई है, आज हमने उसे दुरुस्त करने की कोशिश की है। आरएएफ के लगभग 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और ये तैनाती आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 जनवरी से मंदिर तमाम भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंगलवार को देखा गया कि राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। रामलला की एक झलक पाने के लिए लोग इतने बेकरार थे कि भारी भीड़ अयोध्या में जमा हो गई। इतनी भीड़ कि प्रशासन के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। भक्तों की भीड़ को देखते हुए एटीएस और आरएएफ के कमांडो को रामलला के मंदिर के अंदर भेजना पड़ा और अब पूरी अयोध्या में राम मंदिर के आसपास आरएएफ कमांडो की तैनाती बढ़ा दी गई है और ये लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।